2015 में स्थापित हुआ है और आज हमारी यात्रा 2024 में चल रही है। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय कार्यकारी की बैठक के उपरांत पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने संवाददाताओं से रूबरू होते हुए कहा कि विगत 2015 से स्थापित हमारी पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति की बैठक भगवान बिरसा मुंडा के पावन धरती पर राजधानी रांची में आयोजित हुई। इस बैठक में लगभग 12 से 13 राज्यों के लोग उपस्थित रहे। हमें इस बात से फख्र है कि अब हमारी पार्टी सिर्फ बिहार राज्य तक ही नहीं बल्कि पूरे देश की राजनीतिक पार्टी हो गई है। हमारी पार्टी का मूल उद्देश्य गरीबों के लिए काम करना है। झारखंड में संगठनात्मक मजबूती के पहल को लेकर इस बैठक में विचार मंथन हुआ। हम लोगों ने निर्णय लिया है कि बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश जैसे जिलों में जो मजदूर पलायन कर रहे हैं, दूसरे राज्यों में काम कर रहे हैं, चुनाव के समय सरकार उन्हें अपने खर्च से वोट देने के लिए अपने गृह राज्य और जिले में लाने को लेकर ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए और इसके लिए पार्टी प्रयास करेगी। उन्होंने कहा कि बिहार, झारखंड जैसे राज्यों में उनकी पार्टी चुनाव लड़ेगी। खासकर झारखंड के संदर्भ में उन्होंने कहा कि हम लोग सीटों को चिन्हित करने का काम कर रहे हैं और हमारी पार्टी झारखंड में चुनाव अवश्य लड़ेगी। जीतन राम मांझी ने मोदी सरकार में उन्हें महत्वपूर्ण विभाग दिए जाने और उनकी पार्टी को पूरा सम्मान देने को लेकर नरेंद्र मोदी और बीजेपी को साधुवाद दिया। मुझे आप जानते हो कि 48 लाख करोड़ के आसपास में लास्ट ईयर करीब 45 लाख करोड़ का था, उसको बढ़ाकर के 48 लाख करोड़ का बजट किया। उस बजट में अगर हम आपको बताते हैं तो ये कहना चाहेंगे कि बिहार सरनामकित तो लगता है कि 60,000 करोड़ का मिला, उसका बताएंगे तो समय लग जाएगा, लेकिन जैसे उन्होंने बताया है कि गया विष्णुपद को और गया मोदी महामोदी मंदिर खोल गया तो कॉरिडोर रोड बनाया, कोरी रोड बनाया गया और इस कॉरिडोर बनाने में तो 10-5 हजार में नहीं पड़ेगा, इसमें भी 1,00,000 रुपया लग सकता है, ये भी मिला। उसके बाद औद्योगिक क्षेत्र के रूप में गया को किया गया है प्रस्ताव, इस औद्योगिक कॉरिडोर बनाने में 1,00,000 रुपया खर्च हो सकता है। तो कहने का मतलब कि बिहार को 4,00,000-5,00,000 करोड़ के आसपास पैसा भारत सरकार ने दिया है और महिलाओं को, युवाओं को सशक्तिकरण के लिए पैसा दिया है। अगर उसका डाटा करें नहीं लग रहा है, लेकिन इस पर विचार किया है तो इसीलिए बिहार के बजट अच्छा दिया है। इसके लिए बिहार में गरीबों के लिए खास करके जो एमएससी विभाग जिसको उनको दिया गया है उसका भी एक और उसका भी हमारे पास एक खाका है, वो खाका वैसे आपको स्पष्ट होगा कि हमारे दल के लोगों को काम चलाने के लिए, मैंने पार्टी को काम चलाने के लिए नरेंद्र मोदी जी ने कितना अच्छा काम किया है कि जो एमएससी के जो हमारा है जिसको हम कहते हैं कि एमएससी मतलब माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज, इसको दिया गया विभाग को, तो जानते हैं उस विभाग का क्या है, वो जीडीपी का 31.1% योगदान है। जीडीपी का 100 में 30.1% और इसका जो मैन्युफैक्चरिंग समुच्चय हिंदुस्तान में है उसमें इस विभाग का योगदान 35.4% और उसी तरह से हमारा एक्सपोर्ट में जो योगदान होता है वो 45.7 के लिए है। कहने का मतलब इतना बड़ा विभाग का हम लोग उनको मौका दिया है, इसलिए उनको हम लोग अपनी तरफ से तो आभार व्यक्त करते ही हैं। एक गरीबों के लिए जिसके 70% आबादी है उसके लिए उन्होंने इतना बड़ा काम सौंपा है और काम करने के लिए मौका दिया है और बिहार को दिया है बजट, उसके लिए हम लोगों ने धन्यवाद।
तो कहने का मतलब हमारे जो इंस्टीट्यूट है मीटिंग में ये भी प्रस्ताव प्रधानमंत्री के प्रति बजट अच्छा दिया है, बजट गरीबों के लिए दिया है, बजट महिलाओं के लिए दिया है और हमारे दल के जो मंत्री हैं उनके लिए भी अच्छा ध्यान दिया है, जिसके लिए हम लोगों ने आभार व्यक्त किया है। ये आज हमारे तात्कालिक के बैठक का एक अहम प्रस्ताव है। तो इसी तरह से हम लोगों ने प्रस्ताव आज साथ पारित किया है, इसकी प्रतियां आपको मिलेगी। मूल रूप में जो बातें थी उसकी चर्चा आपके सामने आप जानते हैं 2015 में स्थापित हुआ है और आज हमारी यात्रा 2024 में चल रही है। उसका एक पड़ाव महीना पर नहीं होता, 6 महीना पर हुआ। क्या करें, अपना राष्ट्रीय कार्यवाही बैठक करते हैं, वही बैठक आज बिरसा मुंडा जी के में झारखंड में रांची में हमारे तत्कालीन समिति के सभी सदस्य उपस्थित थे। इस बैठक की विशेषता ये रही कि आज हम लोग लगभग 2-3 दर्जन बार तत्कालीन की बैठक किया, चाहे पटना में किया हो, चाहे दिल्ली में किया हो, चाहे किशनगंज में किया हो। तो आज लगभग 12-13 राज्यों के लोग यहाँ पर, इतनी बड़ी संख्या में बाहर के नेतृत्व करने वाले हमारे नेता आज 12-13 राज्यों के नेता हैं, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। हम करना चाहेंगे सबके साथ हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर अब सिर्फ बिहार की पार्टी ने पढ़ाया, राज्य के राज देश पार्टी हो गई है और आज यही सूचना देना चाहते हैं। अब बैठक में संगठनात्मक मुद्दों पर बात भी है कि हम लोग संगठन को कैसे मजबूत करेंगे, उसके लिए 6 या 7 यूनिवर्सल किए, उन यूनिवर्सल के बारे में हमारे प्रधान सचिव आपको बोलेंगे, सबों के बारे में उसकी कॉपी आपको। लेकिन उसमें अहम मुद्दा हमारे सामने है कि हमारी पार्टी का उद्देश्य है कि समाज में दो ही जाति के लोग होते हैं, एक गरीबों की और एक गरीब, तो हम गरीब के लिए प्रायः काम करते हैं। और बाबा भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि जब तक राजनीति उनकी चाल नहीं मिलेगी के लोगों को, तब तक विकास उनकी ताला नहीं। तो इसी के तहत हम लोगों ने ये सोचा है, हम लोग ये मानता है, आज सभी बैठकों में हमारे साथियों के विचार आए कि हमारे गरीब तबके के लोग मजदूर माइग्रेट करते हैं, चाहे बिहार के झारखंड हो, उड़ीसा हो, उत्तर प्रदेश हो या बिहार, और वो बाहर जाकर के काम करते हैं। ठीक है, काम करना कोई बड़ी बात, सबसे बड़ी बात ये होती है जब आम चुनाव की बात आती है तो ये लोग कम मजदूरी मिलती है, समय नहीं मिलता, इसके कारण वो लौट के नहीं आते। इससे हमारे हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेक्टर की विशेष क्षति होती है। हर कंस्टिट्यूंसी में अगर देखा विधानसभा कंस्टिट्यूंसी अगर देखिए तो कम से कम 10,000 से 15,000 तक बनकर हमारे पास पार्लियामेंट की बात अगर कहिए 70-80 हज़ार हमारे उम्मीदवार नाम, और वो अगर आते हैं और वोट कास्ट करते हैं तो हम समझते हैं हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के सेहत पार्टी के सेहत पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा और पड़ता है, लेकिन वो नहीं हो पा रहा। इसीलिए हम लोगों ने आज लिया है निर्णय कि हम सरकार से मांग करें, भारत सरकार सरकार जहाँ से जो मजदूर जाते हैं बाहर उनका रजिस्ट्रेशन, बिना रजिस्ट्रेशन के अगर कोई ठेकेदार ले जाता है तो उन पर कार्रवाई की जाए, एक बात। और दूसरी बात कि अगर चले जाते हैं रजिस्ट्रेशन के उपरांत, तो जब वोट की बात आती है
तो सरकार अपनी व्यवस्था से उन लोगों को वोट देने के लिए राज्य में बुला दो। ये हम लोग का एक अहम मुद्दा आज निर्णय हम लोग ने लिया है। और दूसरी बात जो आप लोग भी चाहेंगे सोचते होंगे कि हम लोगों ने विचार किया है कि आगे आने वाला विधानसभा चाहे झारखंड का चाहे बिहार का हो, हमारी पार्टी लड़ेगी निश्चित रूप से। सीटों के संबंध में हम लोग कुछ एक्सपर्ट लोगों को लगाए कि जो रिपोर्ट करेंगे कहाँ कहाँ सीटों पर। और जहाँ तक उप चुनाव की बात है बिहार में, तो बिहार में उप चुनाव में हमारे दिक्कत होगी, ये भी हम लोगों ने निर्णय लिया है। और उसके बाद जो प्रमुख मुद्दा है वो हमारे प्रधानमंत्री बोले। और एक अहम मुद्दा इसमें बात आई कि हम लोगों ने मुक्त कंठ भारत के सभी प्रधानमंत्री ने जो है मोदी जी का आभार व्यक्त किया कि उन्होंने एक ऐसा मौका दिया हिंदुस्तानी वॉलपेपर से प्लस जिससे हमारे हिंदुस्तान के लोग हमारे हिंदुस्तानी वॉलपेपर से प्लस। आप जानते हैं कि विगत लोकसभा चुनाव में हमें मात्र एक सीट है, हम लोगों ने सबर किया, हम लोगों ने कोई चीज वो नहीं किया कि हमको 10 सीट चाहिए 5 सीट, एक सीट लड़े एक सीट जीते। लेकिन वहाँ जो केंद्र मंत्रिमंडल करने की बात है तो नरेंद्र भाई मोदी जी ने एक सीट वालों को भी एक कैबिनेट मंत्रालय दिया और 5 सीट वालों को भी एक मंत्रालय। तो सब हिसाब किताब बराबरी होने करके हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के भाव खड़े थे, उस भाव को उन्होंने मलहम नहीं लगाया, एकदम फर्स्ट क्लास से उसको रिपीट कर दिया कि उसका भाव खत्म हो गया। और साथ साथ विभाग भी अच्छे, विभाग भी ऐसा कि यहाँ पर जो गरीब तबकों की संख्या है 70%, और 70% गरीबों के लिए जो उद्योग है कहा जाता है कि व्यापारे बसंत लक्ष्मी, मैंने लक्ष्मी